गुरु पूर्णिमा मेला प्रारंभ होने में मात्र एक दिन शेष बचा है। वहीं प्रशासन के कई विभागों के कामकाज अधर में लटके हुए हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ना तो विभागीय कामकाजों की तरफ ध्यान दे पा रहे हैं, ना ही वे गुरु पूर्णिमा मेले को लेकर दी गई जिम्मेदारियों को निभा पा रहे हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है गोवर्धन क्षेत्र में। यहाँ परिक्रमा मार्ग में से आवारा पशुओं को उचित स्थान पर व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी SDM गोवर्धन को दी गई थी, लेकिन वो साफ तौर पर इसमें असफल नजर होते नजर आ रहे हैं। आज तक SDM महोदय परिक्रमा मार्ग के आवारा पशुओं को उनके उचित स्थान तक नहीं पहुंचा पाए हैं। आज भी परिक्रमा मार्ग में अनेकों आवारा पशु घूमते दिखाई दे सकते हैं, जिनकी वजह से दंडवत परिक्रमा करने वालों को और पैदल परिक्रमा करने वालों को कभी भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही इन पशुओं के आपस में लड़ने से किसी भी परिक्रमार्थी के साथ अप्रिय घटना कभी भी घटित हो सकती है। अब देखना ये होगा कि नींद से जाकर प्रशासन के आला अधिकारी कब इन आवारा पशुओं के लिए समुचित व्यवस्था कर पाते हैं और ऐतिहासिक गुरु पूर्णिमा मेले को व्यवस्थाओं से युक्त और अव्यवस्थाओं से मुक्त करा पाते हैं।